आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी के पुए की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में मैंने ना मैदे का यूज़ किया है और ना ही किसी चाशनी का। 10 मिनट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाली और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक एंड बेक विद सोनाली में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सूजी के पुए बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी को 2 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख लिया था और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप चीनी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेम इसी कप से मैंने 2 कप सूजी लिया था भिगोने के लिए, तो इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब लेंगे मिल्क, इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे हमें इसे एकदम पतला घोल कर तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, अभी भी मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा और दूध डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मिल्क का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं बताया है, इसे आप अपनी जरूरत के अनुसार ही डालिए। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनके तैयार हो गया है। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून के लगभग सौंफ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम और किशमिश का यूज़ किया है। आप इसमें अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और आपको जो नहीं पसंद आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के लगभग डेसिकेटेड कोकोनट और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और हमारा बैटर पुआ बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब लेंगे एक कढ़ाई और इसे गर्म कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे ऑयल। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब ऑयल में थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसे ऑयल में इस तरह से डालेंगे। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से आपको इसे डालना है, ऑयल के एकदम पास ले जाके इसे डालेंगे, नहीं तो छींटे उड़ के आते हैं। तो यहाँ पे पुआ एक साइड से फ्राई हो गया है, अब इसे पलट देते हैं और दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेते हैं। इसे साइड में फ्राई होने देंगे और बचे हुए जगह में दूसरे पुए के लिए भी बैटर डाल के उसे भी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला पुआ बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिलीशियस पुआ बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से सारे पुए को बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पुए को बनाकर तैयार कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।